अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है गाजरों का गजरेला। ठीक है, आज हम गजरेला बनाना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले तो मैंने ये गाजरें ली हैं। देखें, मेरे पास ये तकरीबन 1000 ग्राम के करीब गाजरें हैं। 500 ग्राम का मैंने एक पैकेट लिया था, जिसमें मैंने दो पैकेट लिए हैं, उसको मैंने छील के इस तरह से रख ली हैं। और फिर मैंने इसके साथ ये दूध की मेरे पास बोतल है, ये मैंने तकरीबन दूध जो है 2 लीटर लिया है, लेकिन मैं इसके लिए 2.5 लीटर यूज करूंगी दूध। ठीक है, फिर उसके अलावा मेरे पास ये इलायची है, ये बादाम है, और ये चीनी है मेरे पास, और ये चावल है। ठीक है, चावल मैंने ये किए हैं कि तकरीबन मैंने 1/2 कप चावल लेके उसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने एक स्पून के साथ इसको मैश कर लिया, देखे इस सूरत में, क्योंकि गजरेला बनाने के लिए कभी भी गाजरों का जो दूध के अंदर थिकनेस नहीं आती, थिकनेस लाने के लिए हमें चावल यूज करने पड़ते हैं। तो जब आप गजरेला रेडी करेंगी तो चावल आपको बिल्कुल उसके अंदर नजर नहीं आएंगे। आप ये कीजिएगा कि गाजरों को आप कद्दूकश कर लें, क्रश करने के बाद एक देचकी में आप दूध डालें, दूध डालने के बाद आप उसके अंदर इलायची डालें, इलायची डालने के बाद फिर आप गाजरें डालें, ठीक है, जो आपने क्रश की होंगी। फिर मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि हमारा ये गाजरों का ये गजरेला कैसे रेडी किया जाता है। ठीक, तो मैंने ये देखे गाजरों को ये मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है इस शक्ल में। अब मैं ये करूंगी कि मैंने दूध ऑलरेडी एक देचकी में डाल के तकरीबन 1.5 किलो दूध मैंने लिया है, वो इसके अंदर डाला है, और फिर ये मैं इलायचियाँ इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इलायचियाँ डालने के बाद फिर आपने ये नहीं वेट करना कि दूध बॉयल हो तो फिर हम इसके अंदर गाजरें ऐड करें, ठीक है। फिर आपने ये करना है कि ये गाजरें जो हैं ये सारी इस तरह से, देखे गाजरों का कितना खूबसूरत कलर है, ये सारी इसके अंदर आपने जितनी मैंने आपको बताई थी शामिल कर देनी है। और इसको तकरीबन इतना पकाने के लिए रखना है कि ये आधा दूध रह जाए, जितना ये पकेगा उतना ही ये हमारा अच्छा टेस्ट आएगा गजरेले का, और कलर चेंज होगा इसका, और वो थिकनेस भी आएगी। अभी मैं चावल नहीं डालूंगी इसके अंदर, जब भी इसको बॉइल आ जाएगा, ये पकना शुरू हो जाएंगी गाजरे, मैं चावल फिर इसके बाद ऐड करूंगी। सिंपल आपने बॉइल करके आपने इसके अंदर ऐड कर लेने, बस अभी हम इसको पकने के लिए रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे कि ये नीचे से लगना ना शुरू हो जाए, क्योंकि हमेशा गजरेला बनाएं या खीर बनाएं या कोई भी आप स्वीट डिश बनाएं तो दूध वाली कोई भी आप डिश बनाएंगी तो वो फौरन नीचे लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो स्वीट डिश है उसके अंदर से फिर स्मेल आने लगती है। आप ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ये नीचे से बिल्कुल भी लगने ना पाए। हाँ जी नाज़रीन, आप देख सकती हैं कि इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पकाया है, तो इसकी शक्ल इस तरह देखिए, क्रीमी थिक सी आई है। देखिए दूध का जो कलर है वो भी तकरीबन चेंज हो चुका है। पहले हम लोग मेरी अम्मी वगैरह जो है वो बनाती होती थी गजरेला, तो उनसे रेसिपी मैंने ये ली है, तो जिस तरीके से वो बनाती थी मैं भी अब उसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम होता है कि हम इसको 5-6 घंटे के लिए नहीं बना सकते, भाई 5-6 घंटे हम वेट नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गाजरें आहिस्ता आहिस्ता आग पे गलती है, चावल भी आहिस्ता आहिस्ता गलते हैं, तो फिर ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली घुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में है टाइम किसके पास है कि इतनी देर बैठे हैं, इतनी देर टाइम करें, लेकिन पहले ज़मानों में कुकिंग में टेस्ट होता था, खाने में टेस्ट होता था, हर चीज़ ओरिजिनल डलती थी। आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें शामिल होती हैं हमारे खानों में, तो टेस्ट भी उसी तरह चेंज हो गए हैं।
आप देखिए नाज़रीन, गजरेले की शक्ल बहुत अच्छी चेंज हो गई है। अब मैं ये करूंगी कि हैंड ब्लेंडर लूंगी मैं। हैंड ब्लेंडर के साथ आपने इसको तकरीबन फुल गाढ़ा ग्राइंड नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा आपने ग्राइंड करना है ताकि गाजरे और चावल जो मैंने इसके अंदर शामिल किए थे वो गल जाए, घुल जाए, और फिर हम इसको गाढ़ा करेंगे। फिर इसके अंदर बादाम वगैरह शामिल करेंगे और ओरिजिनल शक्ल में लाके मैं आपको दिखाऊंगी। देखें, हल्का हल्का सा बस आपने इसको करना है, फुल बिल्कुल इसको मैश नहीं करनी, गाजरें आपकी नजर आनी चाहिए। अब देखें कि बस तकरीबन ये देखें बहुत अच्छे सी ये ग्राइंड हो चुकी है, चावल भी सही तरह। बस आपने इतनी ग्राइंड करनी है, बहुत ज्यादा है, इसको मैश नहीं कर देना कि इसकी जो ओरिजिनल शक्ल है वो खत्म हो जाए, पता ना चले ये गजरेला है कि खीर बनाई है आपने। ठीक है, अब इस सूरत में हम इसको अच्छी तरह से, ये अभी भी मुझे बहुत पतला लग रहा है, मैं इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा करूंगी। जो आप देख रही है पक पक के इसका, ये जितनी देर आप इसको कुक करेंगी ये इतना ही अच्छा कलर इसका निकलेगा। इसके अंदर मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर या कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं डाली, कोई क्रीम नहीं डाली, क्योंकि दूध ही खुद से एक क्रीम है। अगर आप उसको इतना पकाएंगी कि वो खुद बा खुद ही उसकी क्रीम बन के दूध की शक्ल जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे। तकरीबन आप इसको कम से कम एक घंटा जरूर घर में जब भी ट्राई करें बनाए, एक घंटे तक आप इसको पकाती रहेंगी तो दूध की शक्ल जो है वो चेंज होगी। हाँ जी, तो आप देखें कि ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया, लेकिन अभी सही तरह थिक नहीं हुआ। जब इसके बबल बनना शुरू हो जाए तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और जितना मैंने ये देखे निशान तक दूध डाला था, इससे तकरीबन आधा रह गया है। जब आप इतना हो जाए तो फिर आपने ये करना है कि अब इसके साथ ही मैंने ये बादाम लिए, थोड़े ज्यादा बादाम लीजिएगा, और आपने बादाम इसके अंदर सारे ऐड कर देने हैं। ठीक है, अब बादाम ऐड करने के बाद फिर हम इसके अंदर शुगर हम पहले नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले शुगर ऐड कर देंगी तो फिर नीचे से ये बर्न होना शुरू हो जाएगा और फिर उसकी जो स्मेल है वो आपके गजरेले में और जो भी आप बनाए खीर बनाए या गजरेला बनाए तो उसमें शुगर जो है वो पहले नहीं डालते, बिल्कुल एंड में डालते हैं। अब शुगर भी हम डालेंगे। शुगर भी आप अपने हिसाब से आइडिया से डालती रहे, थोड़ी थोड़ी करके एकदम से मत डालिएगा ताकि ये बहुत ज्यादा ना हो जाए थिक होने के बाद। ये भी अपना पानी छोड़ेगी, इसको भी हमने अच्छी तरह से थिक करना है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता से इसको बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप खाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे कि बहुत मजे का ये गजरेला रेडी होता है इस तरीके से। हाँ जी, देखिए अब हमारा गजरेला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब इस तरह के बबल आना शुरू हो जाए, आप देखिए ये बबल आना शुरू हो गए हैं, तो आप समझे कि ये बिल्कुल तैयार है। इससे ज्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब बाउल में डालेंगे तो ये ज्यादा और थिक होगा ठंडा होने के बाद। अब देखिए बहुत ही मजेदार इसकी शक्ल आई है, जो हमने इसके अंदर चीजें डाली थी। दूध ने अपना कलर भी बड़ा अच्छा दिया है, अल्लाह। ये देखिए बहुत मजे का हमारा ये गजरेला रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी